सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। हमने पिछले वीडियो में शब्द शक्ति की परिभाषा, उसके प्रकार, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के बारे में पढ़ा था। हम लक्षणा अभिधा शब्द शक्ति क्या है, उसकी क्या परिभाषा है और उसके क्या उदाहरण हैं वो हम पढ़ चुके थे। हम लक्षणा के प्रमुख भेदों को पढ़ रहे थे। उसमें से हमने लक्ष्यार्थ के आधार पर लक्षणा के दो भेद, रूढ़ा व प्रयोजनवती लक्षणा को पढ़ चुके थे। फिर मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ में संबंध के आधार पर लक्षणा के दो भेद होते हैं, गौणी लक्षणा व शुद्धा लक्षणा के बारे में भी हम पढ़ चुके थे, यानी कि मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ में क्या संबंध होता है। इसके आधार पे लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, गौणी लक्षणा व शुद्धा लक्षणा, ये हम पढ़ चुके थे। फिर मुख्यार्थ है या नहीं, इसके आधार पर भी लक्षणा के दो भेद किए गए थे, उपादान लक्षणा व लक्षण लक्षणा, इसका अध्ययन भी हमने कर लिया था। आज हम सारूपा एवं साधे वसाना लक्षणा के बारे में पढ़ेंगे। सारूपा लक्षणा क्या होती है? सारूपा लक्षणा में जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद आरोप करते हुए लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो, वहाँ सारूपा लक्षणा होती है। इसमें उपमेय भी होता है और उपमान भी होता है, यानी सारूपा लक्षणा में उपमेय भी होता है और उपमान भी होता है। उपमेय और उपमान में दोनों में भेद न करते हुए, यानी अभेद आरोप करते हुए लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है। इसका यहाँ उदाहरण हम पढ़ रहे हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। यहाँ उदयगिरि रूपी मंच पर राम रूपी प्रभातकालीन सूर्य का उदय दिखाकर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया गया है, अतः यहाँ सारूपा लक्षणा है। उपमेय वो होता है जिसकी को जिसका रूप दिया जाता है, और उपमान वो होता है जिसका रूप उपमेय को दिया जाता है, यानी उपमेय जिसकी तुलना करनी है, उपमान जिसके साथ करनी है। तो यहाँ उदित उदयगिरि मंच रूपी मंच पर राम रूपी प्रभातकालीन सूर्य का उदय दिखाकर, यानी राम यहाँ उपमेय है और उदयगिरि मंच यहाँ उपमान है। अब हम पढ़ेंगे साधे वसाना लक्षणा। इसमें केवल उपमान का कथन होता है, लक्ष्यार्थ की प्रतीति हेतु उपमेय पूरी तरह छिप जाता है। यानी सारूपा लक्षणा में तो उपमेय और उपमान दोनों होते थे, इसके विपरीत साधे वसाना लक्षणा में केवल उपमान होता है, उपमान के बारे में बताया जाता है, लेकिन उपमेय पूरी तरह छिपा हुआ होता है। उपमान के आधार पर ही लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है। उदाहरण यहाँ दिया गया है, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गिद्दड़ भाग गई। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गिद्दड़ भाग गए, यहाँ शेर का तात्पर्य वीर पुरुष से है और गिद्दड़ का तात्पर्य कायरों से है। उपमेय को पूरी तरह छिपा देने के कारण यहाँ साधे वसाना लक्षणा है, यानी यहाँ सिर्फ उपमान का ही कथन किया गया है, उपमेय का बिल्कुल कथन नहीं किया गया, उपमेय को छिपा दिया गया है। अब हम लक्षणा शब्द शक्ति के प्रमुख भेदों को पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है? वाचार्थ और लक्ष्यार्थ के विराम ले लेने पर जो एक विशेष अर्थ ध्वनित होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है।
यानी कि वाचार्थ और लक्ष्यार्थ जहाँ बिल्कुल क्या ले लेते हैं, विराम ले लेते हैं, और वाचार्थ और लक्ष्यार्थ बिल्कुल विराम ले लेते हैं, और उनके बाद में जो व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है, व्यंग्यार्थ का जो बोध कराने वाली शब्द शक्ति है वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। कहने का मतलब है वाचार्थ और लक्ष्यार्थ के विराम ले लेने पर वाचार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है, लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है, और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। इनकी बिल्कुल सरल परिभाषा यही है। हम पढ़ रहे हैं कि वाचार्थ और लक्ष्यार्थ बिल्कुल विराम ले चुके होते हैं तब एक अन्य अर्थ ध्वनित होता है, उसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं, और इसकी परिभाषा हो गई व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को हम क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे उसका घर गंगा में है, यहाँ घर गंगा में नहीं हो सकता, यह अपने को भी पता है कि घर गंगा नदी में नहीं हो सकता, अतः अर्थ ग्रहण किया गया है कि घर गंगा के निकट है। गंगा नदी में घर नहीं हो सकता लेकिन घर गंगा नदी के निकट है, इसका अर्थ क्या ग्रहण किया गया है कि घर गंगा नदी के निकट है, तथा इससे ये भी ध्वनित हो रहा है कि घर में गंगा जैसी पवित्र निर्मलता एवं शुद्धता है, कि जिस तरह गंगा नदी पवित्र होती है वैसे ही घर में पवित्रता निर्मलता एवं शुद्धता है, किसके जैसी, गंगा नदी के जैसी। ये ध्वनित होने वाला अर्थ ही व्यंग्यार्थ है, तथा व्यंग्यार्थ ग्रहण करने से यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है। हमें पता है कि व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है, तो यहाँ व्यंग्यार्थ को हम ग्रहण कर रहे हैं तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद बताए गए हैं, एक है शाब्दी व्यंजना, दूसरी है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना जो शब्द से बना है, शब्द जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता हो, शाब्दी व्यंजना का मतलब है कि शब्द विशेष के कारण किसका बोध हो रहा है, व्यंग्यार्थ का, और वह शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। जैसे शब्दालंकार में भी ऐसा ही होता है, तो जब व्यंग्यार्थ है वो शब्द में निहित होता है, लेकिन जब उस शब्द को हटा देते हैं तब वहाँ व्यंग्यार्थ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। जैसे एक हम इसका अच्छा सा उदाहरण पढ़ रहे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये RPSC में जब स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये उदाहरण देकर के पूछा गया था कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटी ये वर्ष भानुजा वे हल्दर के वीर। अब इसका सामान्य अर्थ है कि चिर जीवो, चिर यानी लंबे समय तक जीवो, जोरी यानी आपकी जोड़ी, जुरे यानी बनी रहे, क्यों न सने गंभीर, और आप दोनों के मध्य जो प्रेम है वो भी बहुत अच्छा रहे, गंभीर रहे, क्यों नहीं हो, यानी कि आप दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी है इसलिए आपकी जोड़ी जो है लंबे समय तक बनी रहे, और आपके बीच में प्यार है वो भी बहुत अधिक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं। अब ये जोड़ी किसकी है, यानी दोनों ही किसी से कम नहीं है, तो यहाँ शाब्दी व्यंजना है, तब हम इन शब्दों को देख रहे हैं, को घटी यानी दोनों ही कम नहीं है, कौन कौन नहीं है कम, वर्ष भानुजा और हल्दर के वीर। देखिएगा वृषभ भानुजा का अर्थ है, इसको हम साथ में लेते हैं, और हल्दर के वीर का अर्थ है, यहाँ वृषभ भानुजा और हल्दर के वीर शब्दों के कारण व्यंजना सौंदर्य है, और इनके दो दो अर्थ हैं। देखिएगा जब हम वृषभ भानुजा का संधि विच्छेद करते हैं तो वृषभ जोड़ अनुजा बनता है, तो वृषभ होता है बैल और अनुजा होती है बहन, तो बैल की बहन, एक तो इस वृषभ भानुजा का अर्थ हो गया गाय। कैसे हुआ, वृष भानुजा शब्द का हमने संधि विच्छेद किया तो शब्द बना वृषभ जोड़ अनुजा, शब्द क्या बना, वृषभ जोड़ अनुजा।
क्या शब्द बना? वृषभ जोड़ अनुजा शब्द बना। इसलिए अब यहाँ वृषभ का मतलब होता है बैल और अनुजा का मतलब होता है बहन, तो बैल की बहन कहा गया है गाय को। तो वृषभानुजा का एक अर्थ हुआ गाय, दूसरे शब्द है हल्दर के वीर। हल्दर के वीर का अर्थ यहाँ श्री कृष्ण लिया गया है, क्योंकि हल्दर यहाँ बलराम को कहा जाता है और बलराम के भाई श्री कृष्ण है। तो एक तरफ तो यहाँ दोबारा बता रही हूँ, वृषभानुजा का दूसरा अर्थ है वृषभानु शब्द रखते हैं और जा अलग कर लेते हैं, जा यानी बेटी, वृषभानु, तो राधा जो थी वो वृषभानु की बेटी थी, इसलिए इसका एक अर्थ हो गया राधा, यानी वृषभानु जोड़ जा, तो वृषभानु की बेटी। इसका मतलब क्या हुआ? वृषभानु प्लस जोड़ जा, जा का मतलब पुत्री, तो वृषभानु की बेटी एक अर्थ हो गया राधा। और हल्दर के वीर, हल्दर का मतलब है यहाँ किसान और किसान का भाई बैल। लेकिन इनके अर्थ बताए हैं, अब जोड़ी किसकी किसके साथ है वो फिर बता देती हूँ। वृषभानुजा का एक अर्थ होता है गाय और दूसरा अर्थ होता है राधा। हल्दर के वीर का एक अर्थ होता है श्री कृष्ण और दूसरा अर्थ होता है बैल। तो अब एक तरफ तो गाय और बैल की जोड़ी है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण और राधा की जोड़ी है, तो यहाँ इसलिए ये शाब्दी व्यंजना है। तो अब दोबारा पढ़ लेते हैं, वृषभानुजा का अर्थ है राधा व गाय, हल्दर के वीर शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण तथा बैल। यदि वृषभानुजा हल्दर के वीर शब्द हटा दिए जाएं और इनके स्थान पर इनके अन्य पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो व्यंजना समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वृषभानुजा के जो दो अर्थ निकल रहे हैं वो नहीं निकलेंगे। एक वृषभानु जोड़ जा, वृषभानु की बेटी जा राधा, एक अर्थ यह हो गया। पहले मैंने आपको बताया था वृषभ जोड़ अनुजा, वृषभ होता है बैल और उसकी बहन होती है अनुजा यानी बहन, तो वृषभ अनुजा का अर्थ होता है गाय। अब हम पढ़ेंगे आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना का मतलब होता है जब व्यंग्यार्थ अर्थ में निहित हो, जब व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होता है तब वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। यानी कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि शाब्दी व्यंजना का मतलब होता है जब व्यंग्यार्थ शब्द में निहित होता है और उस शब्द के स्थान पर अगर कोई भी पर्यायवाची शब्द रख दिया जाता है तो व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। जैसे हमने अभी ये उदाहरण पढ़ा था, चिर जियो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वर्ष भानुजा वे हल्दर के वीर। तो यहाँ सीधा सा है कि वर्ष भानुजा के दो अर्थ हैं, एक राधा और एक गाय। हल्दर के वीर के भी दो अर्थ हैं, एक बैल और एक श्री कृष्ण। तो एक तरफ तो गाय और बैल की जोड़ी बताई है, दूसरी तरफ राधा और श्री कृष्ण की जोड़ी बताई है। इन दोनों को किसी से कम नहीं बताया गया है, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाया गया है। अगर इन वृषभानुजा और हल्दर के वीर के स्थान पर हम पर्यायवाची शब्द रखते हैं तो व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। अब इसके विपरीत हम आर्थी व्यंजना सप्तशक्ति पढ़ रहे हैं। आर्थी व्यंजना सप्तशक्ति में जब व्यंग्यार्थ है वो अर्थ में निहित होता है और शब्द के स्थान पे चाहे कोई भी पर्यायवाची शब्द रख दो व्यंग्यार्थ बना रहता है, यानी कि जब व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होता है तब वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। तब वहाँ कौन सी व्यंजना होती है? आर्थी व्यंजना होती है। अब हम इसका उदाहरण पढ़ेंगे, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यहाँ नीचे वाली पंक्ति से नारी के दो गुणों की व्यंजना होती है, उसका ममत्व भाव एवं कष्ट छहने की क्षमता। यह व्यंग्यार्थ किसी शब्द के कारण न होकर अर्थ के कारण है, अतः आर्थी व्यंजना है। अब हम शब्द शक्ति का महत्व क्या होता है उसको पढ़ेंगे। शब्द शक्ति से ही अर्थ का बोध होता है।
बिना अर्थ का उचित बोध किए काव्यार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। लक्षणा एवं व्यंजना से युक्त काव्य उच्च कोटि का माना जाता है, यानी कि जहाँ लक्षणा और व्यंजना सब शक्ति का प्रयोग होता है उस काव्य को उच्च कोटि का मानते हैं। जब सामान्य भाषा में कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कर पाता तो लक्षणा में व्यंजना का सहारा लेता है। लक्षणा से भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। व्यंजना का व्यापार बहुत विस्तृत एवं व्यापक है। व्यंजना शक्ति के बल पर हम किसी भी शब्द शक्ति से कोई भी काम ले सकते हैं। इस प्रकार हम शब्द शक्ति पढ़ चुके हैं। शब्द शक्ति के तीन भेद अभिधा, लक्षणा और व्यंजना हम पढ़ चुके हैं।